मेरा नाम है इंदु और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल बालाजी क्लासेस पे। एआई की लेक्चर सीरीज हमारी चल रही है। आज हम नया टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन इन एआई। जैसे कि हम सभी को पता है, हम ह्यूमन बींग्स के पास हमारी नॉलेज बेस रहती है, मतलब हमारे पास हमारा नॉलेज रहता है, हमने कुछ पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ लर्न किया है उसको हम अपने माइंड में डालते रहते हैं। पर्टिकुलर सिमिलर सिचुएशंस हमारे पास अगर डेवलप होती हैं, हमारे पास अगर अक्कर हुई कोई पर्टिकुलर सिचुएशन जो पहले भी हुई है, हमारे पास्ट एक्सपीरियंसेस क्या रहे हैं उसके रिगार्डिंग हम क्या करेंगे, उनको अप्लाई करेंगे अपनी करंट सिचुएशन पे। तो ये तो थी हमारी ह्यूमन बींग्स की रीजनिंग, किस तरीके से हमारा माइंड काम करता है कि इस टाइम पे हमारे साथ ऐसे हुआ था तो अब हमें इन पर्टिकुलर चीजों का ध्यान रखना है। और हम ह्यूमन बींग्स क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो हम मशीन्स को डेवलप कर रहे हैं, जो हम ह्यूमन बींग्स की तरह एक्ट करें, तो हम चाह रहे हैं कि वो पर्टिकुलर मशीन भी उस तरीके से ही एक्ट करे जिस तरीके से हम एक्ट कर रहे हैं। तो उसके लिए वो मशीन के पास क्या होना चाहिए, नॉलेज बेस होना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड आज हम टॉपिक पढ़ रहे हैं कि नॉलेज की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होगी मशीन्स के अंदर, ताकि वो क्या है डेवलप कर पाए अपने लर्निंग को, लर्निंग उसने कैसे की उसको डेवलप कर पाए और सिचुएशंस पे वाइजली एक्ट कर पाए। तो देखिए इस वीडियो लेक्चर के अंदर नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बिलीफ्स, इंटेंशंस एंड जजमेंट्स ऑफ एन इंटेलिजेंट एजेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड सुटेबली फॉर ऑटोमेटेड रीजनिंग। ऑटोमेटेड रीजनिंग के लिए, अपने आप से रीजनिंग करवाने के लिए मशीन को, ये एक स्टडी है हमारी जिसके अंदर हम बिलीव्स, इंटेंशंस और जजमेंट्स को देखते हैं किसी भी इंटेलिजेंट एजेंट के। नॉलेज रिप्रेजेंटेशन एंड रीजनिंग, जिसको KRR भी बोलते हैं, इट रिप्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रियल वर्ल्ड फॉर अ कंप्यूटर टू अंडरस्टैंड। कंप्यूटर को अंडरस्टैंड करवाने के लिए, रियल वर्ल्ड की जो प्रॉब्लम्स है उनको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, एंड देन यूटिलाइज दिस नॉलेज, और जो नॉलेज कंप्यूटर को हमने दी है उस यूटिलाइज करने के लिए नॉलेज को, टू सॉल्व द कॉम्प्लेक्स रियल टाइम प्रॉब्लम्स, रियल लाइफ की जो हमारी प्रॉब्लम्स है उनको सोल्व करने के लिए नॉलेज बेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा मशीन को, और उस नॉलेज बेस से गेन करके नॉलेज क्या करेगी मशीन हमारी, एक्ट करेगी किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, हमारी रियल लाइफ सिचुएशन पे। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है, कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमन बींग्स इन नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज में जैसे हमारी मशीन्स काम करती है, नेचुरल लैंग्वेज में जो प्रोसेसिंग करती है, जैसे ही हम गूगल को बोलते हैं गूगल हमें ये चीज को सर्च करके दो, तो गूगल क्या करेगा, हमने जो वॉइस यहाँ पे सेंड की है उसको प्रोसेस करेगा वॉइस को, और वाइसली एक्ट करके उसके जितने भी रिजल्ट्स होंगे वो सारे के सारे नॉलेज बेस से निकाल के हमें प्रोवाइड करवा देगा। तो नॉलेज बेस इन AI इज नॉट जस्ट अबाउट स्टोरिंग द डेटा, इट इज नॉट ओनली स्टोरिंग द डेटा, हमने डेटाबेस में स्टोर कर लिया डेटा, खाली वो नहीं है हमारा नॉलेज बेस। इट अलाउज अ मशीन टू लर्न फ्रॉम दैट नॉलेज एंड बिहेव इंटेलिजेंटली लाइक अ ह्यूमन बींग। तो नॉलेज रिप्रेजेंटेशन हमारी खाली नॉलेज को इकट्ठा करना नहीं है डेटाबेस में, पर क्या है पर्टिकुलरली किसी भी पर्टिकुलर सिचुएशन पे क्या करेगा, हमारा जो मशीन है, हमारी जो एजेंट है, वो बिहेव करेगा, एक्ट करेगा लाइक अ ह्यूमन बीइंग। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉलेज दैट नीड टू बी रिप्रेजेंट इन AI इंक्लूड्स डिफरेंट टाइप की हमारी नॉलेज जो हमें AI में, AI से रिलेटेड फील्ड में हमें अपनी मशीन के अंदर डालनी होती है, वो इस तरीके से है। ऑब्जेक्ट को डालना होता है, इवेंट्स, परफॉर्मेंस, मेटा नॉलेज, फैक्ट्स, नॉलेज बेस। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके की नॉलेज हमारे एक इंटेलिजेंट एजेंट के पास होनी चाहिए। ऑब्जेक्ट्स किसी भी पर्टिकुलर डोमेन पे जहाँ पे हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे हमारे ऑब्जेक्ट में आते हैं। ऑल द फैक्ट्स अबाउट द ऑब्जेक्ट्स इन अवर वर्ल्ड डोमेन, जिस भी पर्टिकुलर डोमेन के लिए हम अपने इंटेलिजेंट एजेंट को बना रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी वो हमारी ऑब्जेक्ट्स के अंदर आएंगी, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। इवेंट्स, इवेंट्स आर द एक्शंस विच अकर इन अवर वर्ल्ड, जो हमने प्रॉब्लम को बनाया है, जिस प्रॉब्लम के अंदर हमने इंटेलिजेंट एजेंट को काम करवाना है उसमें कौन कौन से इवेंट्स हो सकते हैं, कौन कौन से एक्शंस हो सकते हैं, वो यहाँ पे डिस्कस होंगे इवेंट्स के अंदर। परफॉर्मेंस, इट डिस्क्राइब बिहेवियर विच इन्वॉल्व नॉलेज अबाउट हाउ टू डू थिंग्स। ये थे इवेंट्स, एक्शन परफॉर्म करना, ये है परफॉर्मेंस, मतलब किस तरीके से एक्शन परफॉर्म होंगे वो परफॉर्मेंस के अंदर आता है, वो नॉलेज डालना। मेटा नॉलेज, मेटा नॉलेज इज द नॉलेज अबाउट द नॉलेज, नॉलेज अबाउट व्हाट वी नो, हम क्या जानते हैं उसके बारे में नॉलेज। फैक्ट्स, फैक्ट्स आर द ट्रूथ्स अबाउट रियल वर्ल्ड एंड व्हाट वी रिप्रेजेंट, हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल वर्ल्ड के सिनेरियो में, क्या क्या फैक्ट्स हैं वो यहाँ पे कंसिडर होंगे नॉलेज में। एंड लास्ट इज द नॉलेज बेस, नॉलेज बेस इज अ काइंड ऑफ डेटा बेस वेयर वी आर रिप्रेजेंटिंग आर नॉलेज, इट इज अ सेंट्रल कॉम्पोनेंट ऑफ द नॉलेज बेस एजेंट,
नॉलेज स्विच एजेंट जो रहते हैं हमारे, उसका ये सेंट्रल एजेंट है, उसका ये सेंट्रल कंपोनेंट है. द नॉलेज बेस इज अ ग्रुप ऑफ द सेंटेंसेस, सेंटेंसेस की फॉर्म में, यहाँ पे ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस की फॉर्म में नॉलेज बेस के अंदर डेटा को एंट्री करवाते हैं हम. तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था नॉलेज रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड. नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आई थिंक आपको समझ आया होगा कौन कौन से हमारे यहाँ पे कॉम्पोनेंट्स होने चाहिए, कौन कौन सी हमारी नॉलेज होनी चाहिए जो एक पर्टिकुलर इंटेलिजेंट एजेंट के पास होनी चाहिए, वो हमने डिस्कस किया है. अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें. आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट जरूर करें. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.